कभी क्या होता है कि लड़का मेरिट पे होता है सिलेक्ट, लेकिन फिर भी वो एक नेपोटिज्म का टैग लग जाता है। हम आजम खान की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, वो एक बिल्कुल ही अलग केस है, लेकिन इमाम की बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगी। इंजी भाई थे सिलेक्टर जब इमाम टीम में आए, हालांकि इमाम मेरिट पे थे, इमाम की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, लेकिन उस वक्त भी बहुत सी आवाज़ें आती थी इस तरह की कि इमाम इसलिए टीम में हैं क्योंकि सिलेक्टर जो हैं वो उनके रिश्तेदार हैं। नहीं देखें, इमाम ने जब परफॉर्म किया जी, जब 90 किया, उसके बाद उसको बाहर बिठा दिया गया, किस वजह से? मैं इसलिए नहीं कि इंजी सामने बैठा, मैं इसे मुझे बड़ा अजीब लगा था कि यार एक बंदे ने 90 स्कोर किया है, आप अगले मैच में उसको बाहर बिठा रहे हो, और उसकी स्टेटमेंट से भी आया था कि उसके साथ ये ज्यादती कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जब आप फेवरेटिज्म अपने प्लेयर को खिलाने के लिए किसी ने जो स्कोर किया हो, ज्यादती उसी वक्त नज़र आती है ना जब आप करते हो किसी के साथ। तो अगर कोई अच्छा कर रहा है तो वो मेरा बेटा है या अंजी का बेटा है या किसी का बेटा है, उस पर फिर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। आपका भी टेक लेना चाहूंगी इस पे। इमाम नो डाउट अभी तो बड़े अच्छे, उनके नंबर्स भी जा रहे हैं, 10 सेंचुरियां भी कर रखी हैं उन्होंने ओडीआई में, लेकिन फिर भी जब इस तरह की आवाज़ें आती हैं तो हाउ डू यू फील? क्योंकि अगर मुझे एज अ क्रिकेट फैन मैं ये फील करूँ, तो आप क्योंकि जज्बाती भी हैं, हमें अंदाज़ा है, तो आपकी उस वक्त क्या, आप क्या सोच रहे होते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं उस वक्त? फिर हमारे साथ है ना, एक इंग्लैंड का टूर था, तो एक बड़ी उम्र का प्लेयर चला गया, तो हम उसको करते थे कि ये बड़ी उम्र का है, यंगस्टर्स नहीं है, तो वो कहते थे कोई बात नहीं, ग्राउंड में कौन सा सर्टिफिकेट ने भागना है, जो ग्राउंड बता देगा सारा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। कि अगर मैं किसी को अगर फेवर दूंगा कि जी अपने रिश्तेदार को खिलाऊंगा या किसी को खिलाऊंगा, तो ग्राउंड में जाके बॉलिंग तो मेरे नहीं करनी, बॉलिंग तो दूसरे ऑपोजिशन ने करनी है, ठीक है? अगर वो परफॉर्मेंस करेगा तो पता चल जाएगा, या उसकी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस उठा के देख ले, पता चल जाएगा। और ये वाला प्रेशर है ना मेरे से ज़्यादा, क्योंकि मैं तो नहीं खेल रहा अब, क्योंकि जी चलो एक प्रेशर मेरे पे भी है क्योंकि नहीं खेल रहा, लेकिन इमाम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि जी उसने हर रोज़ जाके खेलना होता है। अब ये वाइड ओपनर है पाकिस्तान को, जिसकी 50 की एवरेज है टेस्ट मैच की, क्योंकि जी इसकी इस लेवल का उसका परफॉर्मेंस है, उसके बाद आप किसी प्लेयर को ये वाली चीज़ कहो तो ये ज़रा थोड़ा सा ना बुरा लगता है, क्योंकि जी जो कहने वाले ना वो ठीक है, कहने वाले तो कुछ कहते ही रहते हैं, तो लेकिन है ना उसने अपनी जो उनकी सिलेक्शन थी ना और जो उसकी परफॉर्मेंस उसने जस्टिफाई किया। आपने बात की अभी एवरेज की, तो दो ही प्लेयर्स हैं बाबर के बाद इमाम की ही है एवरेज इतनी जी, तो जस्टिफाई है उनकी। नहीं नहीं, मैं ओपनर की बात कर रहा हूँ कि बाबर तो ये नंबर टेस्ट मैच वगैरह में उसमें नीचे खेलते, वो ऊपर खेलते तो उसकी इतनी की एवरेज है। उसके बाद भी अगर उसको लोग कहें कि जी ये इसको इसलिए खिलाए, तो मेरे ख्याल में मेरे साथ नहीं है, उसके साथ बेचारे के साथ ज्यादती है, क्योंकि अभी उसका कैरियर पड़ा कि उसने खेलना है, तो उसको इस चीज़ ने ना डैमेज किया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप देखो इंजी, ये बहुत सारे प्लेयर्स जो आप कह रहे हैं ना, आप परफॉर्मेंस कुछ प्लेयर्स की नज़र आ रही है ना आपको जी जी, मैं बच्चों के नाम आज़म को छोड़ दें, बाकी लोगों को ले लें, आप ये जारी दोस्तियाँ क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए। ये जब आप नेशनल लेवल पे सोचते सिलेक्शन करते हैं ना जी जी, तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरी दोस्ती है इसके साथ तो मैं सिलेक्ट कर लूँ, वो फिर आपको पाकिस्तान का सोचना चाहिए। ठीक है जी, अभी दो मैचेस बाकी हैं आज के T20 वर्ल्ड कप में, उन